بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وخلق على ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وخلق على الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم خون مظلوم زيادة خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا زور سے کہو انشاءاللہ ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا کہو انشاءاللہ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا رنگ لاتا ہے لہو رنگ لاتا ہے لہو دوست و مظلوموں کا حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم آج کی اس بہت ہی پوتر سبھا
बड़ी मुकद्दस बड़ी बाबरकत मजलिस के सदर मोहतरम हजरत मौलाना बिन्यामीन साहब बस्तानवी, मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे बड़े हजरत मौलाना मुफ्ती हसनैन साहब उस्ताद हदीस माहद मिल्लत मालेगांव, मेरे दोस्त एडवोकेट, मैं जानबूझकर पहले एडवोकेट कह रहा हूं, मेरे दोस्त एडवोकेट हजरत मौलाना अनवारुल हक साहब इशाद, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुल्ला एडवोकेट भी होता है, बोलो लोग से मुल्ला और अभी यहां बिन्यामीन साहब ने कमाल किए कि कुछ ऐसे मुल्लाओं को भी जमा किया जो हर फन मौला है, और लोगों को मौलाना हुसैन साहब, लोगों को ये पता भी चलना चाहिए, इनको क्या लगता है कि मदरसे में सिर्फ इमामीज पैदा होते, ऐसा नहीं है, मौलाना गुलाम साहब बस्तानवी ने ऐसी फैक्ट्री भी खोल रखी है कि वहां से एडवोकेट भी पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर भी पैदा हो रहे हैं, इंजीनियर भी पैदा हो रहे हैं, हाफिज भी पैदा हो रहे हैं, आलिम भी पैदा हो रहे हैं, इमाम भी पैदा हो रहे हैं। आज से मैं भी मौलाना एडवोकेट अनवार साहब को बता रहा था कि 7-8 साल पहले शायद बदरपुर में कोई सियासी प्रोग्राम था और मैंने मौलाना का कॉलेज वगैरह देखा, और सियासी प्रोग्राम था मगरिब के बाद, तो मेरी जबान से एक जुमला निकला जो हेडलाइन बन गया था, मैंने उस वक्त ये कहा था कि अगर अल्लाह, जुमले पर ध्यान देना, अगर अल्लाह मुगलों को गुलाम बस्तानवी की अकल दे देता तो वो बीबी का मकबरा और ताजमहल न देकर हमें इदारे देकर जाते तो कौम का बहुत फायदा होता। तो मौलाना ने जब वायरल होते होते वहां तक पहुंच गया मौलाना का जुमला, तो गौहान बोले बेटा कैसी क्या है तेरे दिमाग में, मौलाना आपका कॉलेज देख कर आया। और मैंने उस वक्त एक जुमला कहा था, वहां पर एमपी खासदार वगैरह थे, तो मैंने जुमला ये कहा था कि देखो एमएलए से मैंने कहा था, विधायकों से कहा था जो खोखो में बिक रहे हैं, है ना, 50 खोखे बाकी सब ओके, बोलो ना जरा शर्मा मत, 50 खोखे बाकी सब ओके, है ना, तो ऐसे सब लोग वहां मौजूद थे। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि विधायकों से अल्लाह ने दुनिया की तालीम का इतना काम नहीं लिया, खासदारों और मेंबरान पार्लियामेंट से अल्लाह ने इतना काम नहीं लिया जितना अल्लाह ने एक मुल्ला गुलाम बस्तानवी ने लिया। आज आप देख रहे हैं ये पूरा जंगल है और जंगल में इतना हसीन मंगल, ये पूरा जंगल है और जंगल में हसीन मंगल है, तो ये उस शख्स की मेहनतों का समरा है, नतीजा है। तो खैर मौलाना अनवारुल हक साहब से ये सब बातें ध्यान में आ गई थी मेरे, ऐसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर जाहिर बात है कि मेरे अपने सीनियर भी थे तो उस्ताद के हिस्से रखते हैं, मौलाना इमरान साहब नदवी जो वाल सांगी में रहते हैं, अवगढ़ राव सांगी में, इसलिए बड़े अवगढ़ है, तो जमीयत उलमा के जिम्मेदार भी है और भी मेरे नौजवान दोस्तों बुजुर्गों और साथियों। चलिए आइए मैं बिल्कुल इंशाल्लाह वक्त पर बात खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो मुझे कहना था वो आम तौर से जितना कहना था जो कुछ सोचा था वो सब वकील साहब ने बोल दिया, इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ। आपने निकाह में आप देखे होंगे ना कि क्या कहते हैं वकील, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जिस बात के गवाह है मैं उस बात का, क्या ये जिस बात के वकील है मैं उस बात का गवाह। आओ चलो जवानों मैं बात यहां से शुरू करूंगा। देखो पुराने पाक की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ा, वला तहसबनल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। वकील साहब ने कहा ना कि हालात ऐसे हैं, मदरसे का एक बच्चा आया शानदार तकरीर की, मुझे अपना जमाना याद आ गया, समझे आप, बड़ी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने मुल्क के हालात पर बात की। उस बात को आगे बढ़ाते हुए वकील साहब ने क्या कहा हमारे मोहम्मद अनवार साहब ने कि हालात बुरे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम वो लोग हैं जो इससे भी बुरे हालात देख चुके हैं, इन हालात से घबराने की जरूरत नहीं, नहीं डरने की जरूरत नहीं, मोमिन बुजदिल नहीं होता, बुजदिली और ईमान दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते, बुजदिल होगा तो मोमिन नहीं होगा, मोमिन होगा तो बुजदिल नहीं होगा। अरे बोलो भाई
बुजदिल नहीं होगा। और ये जो जुल्म कर रहे हैं, इसलिए मैंने शुरू में शेर पढ़ा, ये जो जुल्म कह रहे हैं ना, कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह कहता है वला तहसबन्नल्लाहा गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। ओ मेरे जवानों, ओ मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि तुम गुमान न करो अल्लाह को कि अल्लाह गाफिल है, अल्लाह देख नहीं रहा है। वला तहसबन्नल्लाहा गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, कि ये जो जालिम कर रहे हैं, ये जो हत्यारे कर रहे हैं, ये जो कातिल कर रहे हैं, ओ लोगो ये न सोचो कि तुम्हारा हमारा रब गाफिल है। हमारा सब कुछ देख रहा है, वो देख रहा है कि मणिपुर में क्या हुआ, वो देख रहा है कि हरियाणा में क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि मेवात में क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या चल रहा है, वो देख रहा है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि लिबनान में क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि शाम में क्या हो रहा है, वो सब कुछ देख रहा है और वो सोया हुआ नहीं है। वो तो खुद कहता है ओ मेरे बंदो मुझे गाफिल मत समझो, मैं सब देख रहा हूं। क्या? और वो कहता है अपने बारे में, वो रब खुद कहता है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ओ मेरे बंदो हुवल हय्युल कय्यूम, मैं हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला हूँ, मैं हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला हूँ। और मैं वो हूँ कि वो खुद कहता है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ओ मेरे बंदो न मुझे नींद आती है न मुझे ऊंग आती है। वो कहता है कि मुझे ऊंग नहीं आती, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं कि जब तुम मेरे दरबार में आओ तो पहले मुझे उठाओ। नहीं सुन, मैं वो नहीं हूं कि तुम मेरे दरबार में आओ तो पहले मुझे खबर करो तो है ना मेरे बाबा। अल्लाह कहता है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ओ मेरे बंदो न मुझे नींद आती है न मुझे ऊंग आती है। ये जो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो आर्मी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो भी अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ओ मेरे बंदो ये मत सोचो कि मैं गाफिल हूं, मैं चुन चुन कर हिसाब लूंगा। और देखो जरा तारीख उठा कर देखो, मैंने बड़े बड़े जालिमों का हिसाब पूरा पूरा छुपा किया है। क्यों? बहुत बड़े बड़े जालिम आए, नमरूद तो बहुत बड़ा बादशाह था, सद्दाक तो बहुत बड़ा बादशाह था, जैसा जन्नत का सुना था वैसे बना लिया था, बहुत बड़ा था। फिरौन तो बड़ा पावरफुल था, लेकिन मैंने कहा ना उस शेर में, क्या कहा मैंने शेर में, कि खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं रहने वाला, इन अंधेरों पे जिगर चीर कर नूर आएगा। और यह है फिरौन को मूसा भी जरूर बोलो दो से आएगा, हालांकि ये बेचारा फिरौन भी नहीं है। कसम खुदा की फिरौन भी नहीं बेचारा है, बहुत सीधा है फिरौन तो, बहुत कुत्ता था फिरौन, बहुत कुत्ता था बोला फिरौन, ये तो फिरौन भी नहीं है, ये तो खुद बेचारा इतना कमजोर है, खुद इतना कमजोर है कि वो खुद कहता है ये मेरे जुमले नहीं है, उनके खुद के जुमले है। भाई बहनों हमारा क्या है, हम तो कभी भी झोला उठाएंगे ओ यारो, मैं आपको सुनो मैं क्या कर रहा हूं मालूम आपको भी बयान में, मैं ये यहां नहीं पूरे हिंदुस्तान में, मौलाना मेरे बड़ों ने मुझसे कहा है कि बेटा हारून ये कौम मायूस हो चुकी है, इसको हौसला दिलाओ, क्योंकि हमारा रब हमसे ये कहता है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ओ मेरे बंदो मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। मैंने जालिमों का सबका हिसाब किया है, जितने भी आए और गए, देखो बोलो 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 जोर से बोलना, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। फिरौन आया, बोलो बोलो बोलो, गया नमरूद आया, गया शद्दाद आया, गया कारून आया, गया हामान आया, गया ये भी आया, बोलो इंशाल्लाह।
बात बताओ, तुम्हारे ऐसे बदन के टुकड़े टुकड़े करे जा रहे क्या? नहीं। अरे बोलो ना। नहीं। ऐसा आरओ से चीरा जा रहा है? नहीं। ऐसा जलते अलावा में डाला जा रहा है? नहीं। वकील साहब ने इशारा किया ना? अरे ऐसा कुछ हो रहा क्या? नहीं। अरे बोलो ना भाई। नहीं। कुछ नहीं। अरे थोड़े बोले फटके तो लगते रहे, अभी जब गाड़ी रोड पर लेके निकले तो धनके तो। अरे बोलो भाई लगेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हालात आते हैं, आते थे और आते रहेंगे। अब सुना, आओ अपनी बातों को समेटते हुए आगे बढ़ूंगा कि अल्लाह ने कहा वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, ओ ईमान वालों तुम्हें हमें ही आजमाया जाएगा, क्योंकि ईमान बड़ी कीमती दौलत है और आजमाइश ईमान वालों की ही होती है। ऐरे गहरे नथू खैरो की नहीं होती। खैर बोलो, नहीं होती आजमाइश तो ईमान वालों की होगी, गैर ईमान वालों की नहीं होती। उनको तो खूब मिलता, इतना मिलता कि अल्लामा इकबाल ने खुद कह दिया, रोते रोते अल्लाह से शिकायत करते हुए इकबाल ने कह दिया, क्या कहा इकबाल ने? रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशानों पर और बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, है ना? अल्लामा इकबाल ने खुद शिकायत की अल्लाह से, ओ अल्लाह मियां रहमतें बरकतें तेरी सारी अग्यार के घरों पर जल रही, बंगले उधर ही बन रहे, सारी रहमतें, अरे बोलो भाई, उधर ही चारी और बर्त गिरती है तो बेचारे मुसलमान, बर्त मतलब बिजलिया, बर्त मतलब, तो इकबाल ने कहा कि बिजलिया गिरती है तो बेचारे, तो बिजलिया मुसलमानों पर इसलिए गिरती है कि मुसलमान नहीं, समझा? बिजलिया क्यों गिरती? इसलिए कि तू मुसलमान है, मत रहे मुसलमान, दुनिया तेरे लिए जन्नत बन जाएगी। नबी ने खुद इशारा कर दिया, और दुनिया सिजनुन लिल मुमिन व जन्नतुन काफिर, बन जाना ऐश आराम होना तो बन जा, है ना? और ईमान होना है, इस्लाम होना, तो बेटा जन्नत तेरे बाबा की थोड़ी इतनी आसानी से मिल जाएगी, एकदम बिरयानी खाते खाते। जन्नत बाबा की नहीं है, अलग लोग कहते भी है कि वहीं से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है, तेरे बाप का घर दिया इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अल्लाह कहता है घबराओ मत, अल्लाह कहता है وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, अल्लाह कहता है हम तुम्हें आजमाएंगे, जरूर भी जरूर आजमाएंगे, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, डर के हालात लाकर आजमाएंगे। आज देखो कितना डर हो गया, ऐसा लगता है मौलाना कुरान का ये मोजेजा है, कुरान का ये करिश्मा है कि कयामत तक ये किताब हिदायत है। तो जरा कुरान को गौर से पढ़ा करो, कुछ आयतें आपको ऐसी लगेगी जैसे 2023 में नाजिल हुई, नहीं समझा? हालांकि कब नाजिल हुई, लेकिन ऐसा लगेगा जैसा अभी कली छुतरी लगता है मेरा ख्याल। देखो जरा इसी आयत में देखो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कली छुतरी, क्योंकि कुरान का ये मोजेजा है, हर दौर में रहबरी करेगा। तो देखो अल्लाह क्या कह रहा है, अब जरा ये आयत का जुमला सुनना, तर्जुमा सुनना, तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल अभी की दिख रही हो। अल्लाह कहता है وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ओ बंदो हम तुम्हें आजमाएंगे, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, डर के हालात लाकर आजमाएंगे। आज हर ईमान वाला डरा हुआ है, डर और खौफ भरा हुआ है, उसको डर इतना लग रहा है कि दाढ़ी रखकर फेरी करने जाऊं या नहीं जाऊं, टोपी पहनकर औरंगाबाद जाऊं या नहीं जाऊं, ट्रेन में भी मारा जा रहा हूं, दाढ़ी देख देख कर चुन चुन कर वर्दी वाले भी आतंकवादी बन गए हैं, चुन चुन कर मारा जा रहा है। मेरी 7 दिन पहले वीडियो आई थी जब मुझे 7 तारीख को दिल्ली में बुलाया गया, 7 दिन पहले मैंने पहली मरतबा जिंदगी में यह वीडियो डाला था कि आज पहली बार मुझे ट्रेन में जाते हुए डर लग रहा है। तो अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा था कि ईमान लाए हो आजमाया जाएगा, बिशैइन मिनल खौफ, डर के हालात लाकर आजमाया जाएगा, है ना? भूख के हालात लाकर आजमाया जाएगा, तुम्हारी फैक्ट्रियों को आग लगाया जाएगा, तुम्हारे कारोबार को जला दिया जाएगा, तुम्हारी खेतियों को जला दिया जाएगा, भूख के हालात लाकर भी आजमाया जाएगा। आखिरी में अल्लाह कहता है, शॉर्ट में कह रहा हूं, आखिरी में अल्लाह कहता है वल अनफुस
जाने लेकर भी तुम्हें आजमाया जाएगा। लेकिन अल्लाह कहता है वबशिर साबिरीन, जो तमाम एग्जाम्स में तमाम इम्तिहानात में कामयाब हो जाएं, तो अल्लाह कहता है वबशिर ए मोहम्मद अस्साबिरीन, ऐसे लोगों को जो सब्र करने वाले हैं, जमकर रहने वाले हैं, ए मोहम्मद बशिर, तुम ऐसे लोगों को खुशखबरी सुना दो, तो आजमाए जाओगे। चलो आओ, अब ये तो मैंने थोड़ा सा हालात का जिक्र करते हुए आपके सामने बात रख दिया, अब बिल्कुल काम की बात करते हुए आपसे कहूंगा कि फिर अगर ऐसे हालात आ गए तो हमको करना क्या। तो पहला फार्मूला जो खुद अल्लाह ने बताया क्या, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सला इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह कहता है ओ ईमान वालों, इस्तईनू, मुझसे मदद मांगो, मुझसे मदद मांगो, और मदद मांगने का फार्मूला खुद अल्लाह ने बता दिया, बिस्सब्र वस्सला, सब्र के जरिए से मुझसे मदद मांगो और नमाज के जरिए से मुझसे मदद मांगो। मैं शॉर्टली, क्योंकि वक्त कम है, तो मैं आगे ये कहता हूँ कि अल्लाह ने यह फार्मूला बना बता दिया, सब्र करो, सब्र करो, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। और अल्लाह ने यह भी कहा, क्या कहा, वस्सला, नमाजों के जरिए से अल्लाह से मदद मांगो। आओ ना, यह नमाज कनेक्शन जोड़ती है अपने रब से। परसों वो जो मेरे शॉर्ट क्लिप आते ना 19 सेकंड 20 सेकंड गए, तो मैंने परसों ही कहा, उस क्लिप में मैंने यह कहा कि अल्लाह भी बात करता है और बात करना चाहता है। अल्लाह दोस्त, जैसा आपको दोस्ती पसंद है, आप भी चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग आपके दोस्त बने हैं, तो अल्लाह कहता है ओ मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, आओ मेरे दोस्त बनो, अल्लाह कहता है। और अल्लाह ने अपने नबी की जबान से कह दिया कि मैं वो जवानों, आज बड़ी तादाद में जवान है ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक, और भेज रहे क्या, फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्या भेज रहे, फ्रेंड रिक्वेस्ट, है ना। कई लोग मुझे मिलते हैं जवान, बाबा वो तीनों समय रिक्वेस्ट भेजे लाए, तुमने देखे नहीं हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट। और फिर फेसबुक पे कितने दोस्त हो गए इसके, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है मेरे, 5000 फ्रेंड, जनाजे में 50 भी नहीं थे, जनाजे में 50 भी नहीं थे, और इसको अटैक आया तो दवाखाने में 10 भी नहीं थे, फेसबुक पे दोस्त बना रहा। चलो आओ जवानों, जवान है मौलाना हसनैन साहब, ये जवान है, तो मैं जवानों से कहता हूं कि अल्लाह भी दोस्त तुम्हारा बनना चाहता है। और कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ने, जवानों मैं तुमको फार्मूला बता रहा हूं, अल्लाह ने तुमको कब से रिक्वेस्ट भेजा है, तुम देखने को तैयार, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। और अल्लाह को कितनी तड़प है और तलब है तुम्हारे और हमसे दोस्ती करने की, कि अल्लाह ने अपने नबी से कहलवाया, कहे मोहम्मद कह दो मेरे बंदों से, ऐ मोहम्मद कह दो कि अगर ये मेरी तरफ एक हाथ आएंगे तो मैं दो हाथ आऊंगा, ऐ मोहम्मद कह दो अगर ये मेरा दोस्त बनना चाहे, मेरी तरफ आना चाहे, तो ऐ मोहम्मद कह दो ये मेरी तरफ चल कर आएंगे तो मैं, अरे बोलो ये सुने कि नहीं सुने, ये तो इसका मतलब अल्लाह दोस्त बनना चाहता है, वो तो बात करना चाहता है। और अल्लाह कहता है वस्सला, नमाज के जरिए से मुझसे मदद मांगो। मैं एक जुमला कहता हूं मौलाना हंसते हंसते बिन्यानी साहब, कि तारीख उठाकर देखो हमारे बुजुर्गों की, कि इतना जबरदस्त नमाजों से कनेक्शन रब से मजबूत हो गया था कि हम सुनते वाकया लेकिन क्या मालूम समझते क्यों नहीं, इतना कनेक्शन मजबूत हो गया था कि हम वाकया सुनते हैं बुजुर्गों के, कि कनेक्शन रब से इतना मजबूत हो गया था कि दो दो रकात में मसले, अरे बोलो ना, ये क्या किससे कहने हैं, ये सिर्फ हल होते थे। तो मैं हंसते हुए कहता हूं इस बात को सामने रखते हुए कि कसम खुदा की अपना अगर कनेक्शन मजबूत हो गया ना जवानों, और कोई गांव में ज्यादा उड़ रहा नहीं, समझ गए, गांव में कोई ज्यादा उड़ रहा तो उसको बोलना तू यही रहे, जरा मैं अंदर से आता, कहां से आता, समझ गया, मस्जिद में से जरा आता, तू अंदर गया, मुसल्ला बिछाया, दो रकात पूरी करा कि गेम ओवर। लेकिन यहां कनेक्शन ही नहीं मजबूत है, करो अपने रब से कनेक्शन मजबूत,
आओ इंशाल्लाह, और जालिमों का नाम ले लेके अर्जी लगाओ, अर्जी लगाते ना अर्जी, ढोंगी बाबा निकला अर्जी दे रहा हो, अर्जी लगा रहा अर्जी, मतलब सब बेखबर ज्यादा है। हाँ खबरदार, और खबरदार रहो। सुनो अभी अभी जुमला आज की महफिल के लिए बहुत बड़ा, मुसलमान मोमिन बाखबर होता है बेखबर भी होता है, क्या होता है? और मोमिन बाखबर रहता है, होशियार रहता है। नबी ने खुद कहा कि मोमिन इतना बाखबर, इतना होशियार, इतना चालाक, इतना दाना, इतना पीना होता है। मेरे अल्फाज नहीं, प्यारे नबी के अल्फाज है कि नबी ने कहा कि मोमिन इतना पीना, इतना होशियार रहता है कि एक पिल से दो बार नशा नहीं आता। लेकिन ये हदीस जब बोलता हूँ या पढ़ता हूँ तो हंसी आती है कि मोमिन अभी इतना बावला है कि जिस बिल से डस जा रहा वही बार बार हाथ डाल। बाखबर रहो, क्या रहो? और उलमा से भी मैं कह रहा हूँ, जो हमारे मकातिब के उलमा आए हैं, और इमामों से मैं कह रहा हूँ कि जो भी आए हैं, आप इमाम हैं, आप कौम के रहबर, और रहबर ही अगर बेखबर रहेंगे तो। अच्छा कुछ लोग तो मालूम है मामा, अखबार नहीं पढ़ने को तकवा समझते, नहीं समझते। उनसे पूछो कि आपको मालूम है क्या? अल्लाह का शुक्र है मैं ये सब चीजें पढ़ता नहीं, मैं यानी वो बेखबर रहने को, बावला रहने को तकवा समझ रहा। तू मुत्तकी है, तू बावला है, ये बोल के तू बावला है। बाखबर रहो हालात से, क्योंकि आप अल उलमा वरसतुल अंबिया, आप वारिस हैं, आप रहबर हैं, आप कायद हैं, आप लीडर हैं, आप नेता हैं। अब आप बोलेंगे मौलाना हम थोड़ी नेता हैं, तुम नहीं हैं इसलिए लुच्चल हमने नेता बन ले। नहीं समझा, तुमने नेतागिरी छोड़ दिए, तुमने रहबरी छोड़ दिए, और अब तुमको शिकायत क्या है कि कैसे कैसे नेता बन जाए। तो तू आना आगे। अभी जैसे मिसाल के तौर पर जब मैं पहली बार सियासत में आया तो मुझे फिर मैं वहां के जो मेहरून का मरकज है मैं वहां इमाम था, तो मुझसे लोग कहते मुफ्ती साहब ये आपका काम नहीं है, तो मतलब तू करना दे, तू भी नहीं करता। और आप रहबर हैं, मैं उलमा से खास तौर से कह रहा हूं कि आप हालात से बाखबर रहिए, और अपने जुमा के खिताबात में भी मौलाना अली नदवी मेरे उस्ताद मोहतरम एक जुमला कहते थे कि एक आलिम की जिम्मेदारी है कि वो उम्मत की रहबरी करे, और रहबरी उस वक्त करेगा जब रहबर बाखबर हो। अब यही बेखबर है तो फिर ये जुम्मा मौलाना अली मियां कहते थे कि अपने जुमा के जो खिताबात होते हैं इसका भी फायदा उठाओ। लेकिन हमारे भी लोग क्या करते हैं, 20-25 मिनट को समझ गए इशारा है ना भाई बहनों, तो ऐसे हम भी क्या करते बुजुर्गो दोस्तों 15-20 मरतबा बुजुर्गो दोस्तों आधा टाइम। अरे वक्त आपको कम मिला है तो आप उसका पूरा इस्तेमाल करो, और आप उम्मत की रहबरी करो। चलो आओ अब मैं आखिरी बातें समेटते कहूंगा कि आज बिन्यामीन साहब कसम खुदा की मेरे आने से पहले मुझे एहसास नहीं था कि आपका यह प्रोग्राम इतना अहम है, लेकिन आज मैं बिन्यामीन साहब आपको दिल से दुआएं देता हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से मुफ्ती हसनैन साहब ने बातें रखी, जिस तरीके से वकील साहब ने, मौलाना अनवारुल हक साहब ने बातें रखी, मैं समझता हूं कि बिन्यामीन साहब आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, अब ये बातें पूरे मुल्क में, हर गांव में, हर शहर में इन जवानों के लिए होना जरूरी है। आज उम्मत परेशान है, कोई इनकी रहबरी नहीं कर रहा है। चलो आओ, सारी चीजें तो हम बयान नहीं कर सकते, ये 20 नुकात यहां पर दिए गए हैं, सारे लोगों को दिए भी जाएंगे। एक तरीका, एक चीज, कुछ चीजें जहन में आई कि इन चीजों पे हमने अमल करना चाहिए ताकि उम्मत के जवान और उम्मत सही रास्ते पर चल सके। आज ये कौम मुंतशिर है, ये जवान जो है ना ये बड़े कीमती है। मौलाना अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले कहा था तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में, जवानों के बारे में, देखो किसी भी कौम का सबसे कीमती सरमाया जवान होते हैं, सबसे कीमती सरमाया जवान होते हैं। अब वो जवान ही तबाह हो जाए तो वो कौम तबाह होने में बहुत आसानी से तबाह हो जाए। और आज मैं साफ कह रहा हूं कि तुमको, हमको और हमारे जवानों को तबाह करने की स्कीमें बना दी गई है। अब ज्यादा बड़ी स्कीमों की बात तो नहीं मैं करूंगा,
बस एक ही चीज से आप बचाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं क्योंकि सबने कुछ कुछ इशारा किए, मैं आपसे कहूंगा और ये बात सिर्फ मुसलमान जवानों तुम्हारे लिए नहीं, मैं हिंदू बेटों के सामने, हिंदू बहनों ने दमन दमन आपको मालूम है गुजरात में एक दमन है, दमन दमन में शराब आम है, आम है शराब, गुजरात में बैंड है तो गुजरात वाले पीने को कहा जाते हैं, अरे बोलो दमन, वह शराब आम है। अब इत्तेफाक से दमन में मेरा बयान हुआ, कुछ गुजराती साथियों ने प्रोग्राम रखे, अब दमन में शराब इतनी आम है कि चौराहे पर अभी मिसाल के तौर पर कपड़े की दुकान है तो वहां भी शराब मिलती, अब तो कपड़े बेच रहे शराब लेकिन मिलती, पांडापुरी में भी शराब मिलती, लोग मौज मस्ती करने के लिए वहां जाते हैं। अब मेरा बयान हुआ वहां पर शराब और नशे के ताल्लुक से, तो मौलाना उसका असर यह हुआ कि जिस बंगले पर मैं ठहरा था दूसरे दिन 12-13 हिंदू औरतें जो सुन रही होगी, बाहर प्रोग्राम था, वो 12-13 हिंदू बहनें मेरे पास में आई और कहने लगी गुरुजी आपने जो नशे के बारे में बात बताई है कि कैसे खानदान तबाह होते हैं, कैसी जिंदगियां तबाह होती है, कहा कि साहब आपने बहुत प्यारी बातें बताई, अगला प्रोग्राम आप और दीजिए, हम आपके साथ में रहेंगे और पैसा भी खर्च करेंगे। ये मुल्क इस वक्त चाहता है कि यहां से नशे को खत्म किया जाए, गवर्नमेंट की कई स्कीमें हैं नशा मुक्ति की, बड़े बड़े केंद्र चल रहे नशे खत्म करने के, कि नशे से आजाद करवाया जाए, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट से मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट मक्का है, एक तरफ से नशा मुक्ति का भी ऐलान करती है और एक तरफ से परमिट भी देती, नहीं समझा क्या देती, मतलब वो क्या बोलती है, पी लहसन लेके पी, गाड़ी कैसा तू लेसन लेके चला रहा वैसा, अरे बोलो। अभी देखो चलो एक बात है समझ, कोरोना जब 1.5 साल रहा, गौर से सुनो, कोरोना जब 1.5 साल रहा, 1.5 साल के बाद में जब धीरे धीरे मुल्क खुलना शुरू हुआ तो पहले स्कूल नहीं खुली, कॉलेज नहीं खुले, मंदिर नहीं खुले, मस्जिद नहीं खुली, सबसे पहले क्या खुले, शराब खाने। तब बेड़ों को क्या लगा, अरे बाप रे अपनी क्या कीमत है यार। तो मैंने बेड़ों से कहा कि तुम्हारी कीमत नहीं है, हुकूमत जानती है कि 1.5-2 साल में जितना नुकसान हुआ बेड़ों से वसूल करो। किससे वसूल करो, अरे बोलो भाई, तो हुकूमत भी तो मक्कार है, हुकूमत भी तो गद्दार है ना। हम चाहते हैं कि कोई मेरा भाई रमेश प्रकाश कैलाश गणेश, कोई मेरा भाई अब्दुल रहमान अब्दुल करीम हारून इमरान, कोई मेरा भाई चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई मेरा भाई नशा ना करे, क्योंकि नशा इस मुल्क की तबाही का सामान है। यह है असल विकास। मैं मेरे भैया मोदी जी से कहता हूं कि यह है असल विकास, मेरे भाई हो मालूम आपको, क्योंकि मैं बचपन से जब मैं उनके गांव में मेरा बयान हुआ, तो मैंने कहा कि आज मैं मेरे बड़े भाई के गांव में आया हूं। तो मीडिया वाले थे, कहा कि बड़े भाई कैसे, मैंने कहा मैं बचपन से स्कूल में ऐसा हाथ करके पढ़ते आया, भारत मेरा देश है, साथ सब भारतीय मेरे भाई, और तो उस हिसाब से मेरा बड़ा भाई समझ गया। तो उस वक्त उनको वो जब मैं गया था उनके गांव में तो तलाक का मुद्दा बहुत चल रहा था, तलाक का मुद्दा, यानी उस वक्त मुसलमान बहनों की मोहब्बत उनके दिल में बहुत आई भी थी, नहीं समझा, अरे सुनते। तो मैंने उनके गांव में कहा कि आज मैं मेरे बड़े भाई के गांव में आया हूं, मेरे दिल में भी उनकी मोहब्बत है और मैं चाहता हूं, मैं आज देख रहा हूं कि मैं इस गांव में घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरे भाई का घर कितना सोना सोना है। मैं वचन देकर जाता हूं, मैंने उस गांव में कहा था कि मैं वचन देकर जाता हूं कि मेरे भाई को यहां लाऊंगा या इनको वहां। ओ यारो, हम इस देश से नशे को हर तरह से खत्म करना चाहते हैं, कहो इंशाल्लाह, क्योंकि नशे में ये जवान तबाह हुए। और अच्छा एक बात सुन लो, नशा सिर्फ वो नहीं है जो बोतल में है, अपन कह रहे जो बोतल में वो ही नशा है ना। अच्छा बोलते भी, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल, बोतल नहीं नाश्ती, बावले तू नाश्ता, और नाश्ते नाश्ते नाले के किनारे तू पड़े रहता, बोतल तो वही जगह थी शोरूम में, बोतल कहाँ रहेगी। नशे को खत्म करना है, और जवानों नशा सिर्फ वो नहीं है जो बोतल में है,
नशा वो भी है जो बीड़ी में है, नशा वो भी है जो सिगरेट में है, नशा वो भी है जो पान में है। पान टपरी में जाके क्या बोलता हो, 300-120 डाल रहे। अच्छा एक बात बताओ, 300-120 कुल मिला के कितने है? 420। तो सीधा सीधा बोलना 420 आया, 420 डाल। कौन आया? अरे बोलो। तो नशा वो भी है जो बीड़ी में है, नशा वो भी है जो सिगरेट में है, नशा वो भी है जो पान में है, नशा वो भी है जो पुड़ी में है, है ना? गोवा मालिक चंद है ना? पूरे अखर तबाह हो गए बिन्यामीन साहब, ये कौम तबाह हो गई, मुंह नहीं खुल रहे इनके। अभी एक को सलाम किया मैंने, मेरी आदत है मैं जोर से सलाम करता, तो मैंने भी एक को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो उसने जवाब कैसे दिया? अलविदा। मतलब बोले थे कि आप लोग मुंह नहीं बोल रहा हूँ, मुंह नहीं बोल रहा हूँ, पहले तो बहुत खुलता था। तबाह हो रहे बिन्यामीन साहब, ये अपना हॉस्पिटल है ना वकील साहब, या नशा मुक्ति केंद्र भी खोलो, सबको लाओ यहां पर, कोई मेरा हिंदू जवान नशा ना करे इसकी भी फिक्र करो, क्योंकि ये भी हमारे भाई है। कौन है? अरे बोलो, ये भी हमारे भाई है, हम इनकी भी फिक्र करें, नशे से हर तरह से दूर रहे। भी कहा गया हमारे जवान मौलाना इकबाल ने कहा था, ये इसको बंद करो, ये माइक को बंद करो, बंद है, थोड़ा आवाज कम करो, मेरा आवाज वैसी काफी है। तो अब नशे से क्या हो गया, इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यहां इसको भोकर दम नहीं दिखा, क्योंकि नशे का आदि बन गया। अच्छा क्या हुआ नशे की वजह से? ये ना माँ के काम की रहा का रहा, न बाप के काम का रहा, न बीवी के काम का रहा, न बच्चों के काम का रहा, न मुल्क और देश के काम का रहा। ये मुल्क के भी लिए नुकसानदेह हो गया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल आप खोखले हो गए वकील साहब, इनके सीने एकदम पुड़े खा खा के खोखले हो गए। क्यों ऐसा मारो तैसा ढबढब आवाज आ रही। अच्छा इतने कमजोर हो गए, अभी ये जवान खड़ा हुआ था भाई टिप्स दिखाने के लिए ना, हमारे जवान खड़े हुए थे कि टिप्स दिखाएंगे आपको, है ना? मैं जवानों से कहता हूं कि आप जवानों, कई जवान तो जवानी में बुड्ढे दिख रहे, आप जवानों, मैं हिंदू दोस्तों से भी कहता हूं, हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, और तुमसे भी कहता हूं कि जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी देन है, इसकी हिफाजत करो। क्या है? चलो आओ अपनी बात को समेटूंगा मैं कि जवानी बहुत बड़ी खुदा की देन है, इसकी हिफाजत करो, जिम करो जिम, समझ रहे आप, वर्जिश करो वर्जिश। हमारे नबी ने कहा है कि क्या मोमिन ताकतवर होता है, और क्या कहा हमारे नबी ने, अल मुमिनुल कवी खैरुम मिन अल मुमिन ज़ईफ। हमारे नबी ने कहा कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर होता है। जब हमारा जवान ताकतवर होगा तो अच्छे काम ज्यादा कर पाएगा, जवान जब ताकतवर होगा तो नमाज ज्यादा पढ़ पाएगा, जवान जब ताकतवर होगा तो लोगों की सेवा कर पाएगा। अभी देखो हिमाचल में सैलाब आया, उत्तराखंड में सैलाब आया, क्यों? बहुत सारी जगह पर सैलाब आया, जो हमारे ताकतवर जवान थे उन्होंने जात और धर्म देखे बगैर खुदा के बंदों की मदद की। तो हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, खोखले ना रहे, ताकि जब देश की सेवा की जरूरत पड़े और मानवता और इंसानियत की सेवा की जरूरत पड़े तो आप जात और धर्म ना देखें और सबकी खिदमत करने के लायक रहे। लेकिन आप ही अगर पचकप्पा ना करें तो तुम ही ऐसे है कि एक बुक मारो तो तीन गुलांडे खा रहा, तो कहां से काम चलेगा? सुबह उठो, रनिंग करो, वर्जिश करो। वकील साहब, 2 साल पहले लोकमत वाले ने मेरा फोटो छाप दिया था, मुझे भी नहीं मालूम। सुनो गौर से, बराबर है? 2 साल पहले लोकमत वाले ने बड़ा फोटो मेरा छापा सर्दी के दिनों में, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे फोन आ रहे, बाबा तुम्हारा बहुत बड़ा फोटो आया। बोले क्या कर रहा बाबा? तो बोले आपका फोटो आया साइकिल चलाते, और उसने ये लिखा कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी सेहत का ख्याल रखते। मैं, मेरे पास ऐसे मोटे टायर वाली साइकिल थी और मैं सुबह 3 किलोमीटर तक के साइकिल चलाता,
छह किलोमीटर तक, सुबह सुबह मैं घूमता, सुबह सुबह मैं 4-5 किलोमीटर जाता। ये फिटिंग जो है ना उसकी जो है, नहीं समझा? कल डेविड डाबरे आए क्या? तो अब लोकपाल वाले ने मेरा फोटो छाप दिया। मैं तुमको ये दावत दे रहा हूं कि जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी देन है, इसकी हिफाजत करो, हिफाजत करो ताकि देश के काम आओ। कोरोना के टाइम में तुम बहुत काम आए, कोरोना के टाइम में तुम बहुत काम आए। तुमने ऐसे वक्त में जब लोगों में डर और खौफ का माहौल बना हुआ था और लोग अपनी माँ और बाप के जनाजे को हाथ में लगा रहे थे, मुझे गर्व है मेरे मुस्लिम जवानों पर, मेरे मुस्लिम युवाओं पर मुझे गर्व है कि मेरे मुस्लिम जवानों ने ऐसे वक्त में जब लोग माँ और बाप के जनाजे के करीब नहीं आ रहे थे, मुस्लिम जवानों ने शमशान में पहुंचकर हिंदू बहनों और हिंदू भाइयों के जनाजे को और उनकी लाश को शमशान तक पहुंचाकर अंतिम संस्कार करने का काम किया। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बनो ताकि आप देश के भी लायक रहो। करेंगे इंशाल्लाह, है ना? वर्जिश करो, रनिंग करो, हर किस्म के नशा से, अरे बोलो, हर किस्म के नशा से दूर रहो। अपने अपने गांव में, आप जिस गांव से भी आए बिरयानी साहब, अपनी पूरी टीम बनाओ, थोड़ा कम करो, अपनी पूरी टीम बनाओ, अपने अपने गांव में बकायदा सुबह सुबह वर्जिश करो, रनिंग करो, अपने अपने गांव में जिम डालो और उसमें अपने हिंदू दोस्तों को भी, हिंदू जवानों को मिलाओ, ताकि सब देश की सेवा के, अरे बोलो, लायक बने। और जब अच्छे बन जाए लायक तो भाव ले छा दे, अरे बोलो ना। मजबूत बनने का मतलब ये नहीं कि खतरे फेंको, नहीं समझा? मजबूत बनने का मतलब ये नहीं कि खतरे फेंको। मेरा एक डायलॉग है जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और पूरे हिंदुस्तान में मैं लोगों को समझा रहा हूँ, मैं खास तौर से तुमको समझा रहा हूँ मुसलमान जवानों, मैं हर जगह समझाता हूँ। हमारे जवान क्या करते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, जज्बात में आके पूरे रोड पे आते हैं और रोड पे आके फेंकते क्या, अरे बोलो ना दोस्त, खतरे हमें खाते क्या, अरे बोलो ना गोलिया। तो मेरा डायलॉग है के पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले बंदर, पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले बंद करो। अपने आप को मजबूत बनाओ, देश की सेवा करो, इंसानियत की सेवा करो। मुफ्ती हसनैन साहब ने बड़ी प्यारी बात कही, उसी को कहकर बात समेटूंगा, कि इस देश में कोई बात नहीं मायूस होने की जरूरत नहीं, नफरतें फैल रही नहीं, फैलाई जा रही है। वकील साहब ने मेरे बारे में इशारा किया ना, मैं रोज एक ही बात बोलता, 2024 आ रहा, नहीं समझा? और विकास कुछ हुए नहीं है, समझ रहे? तो अब दंगे फसाद हर जगह कराए, हमको तय करना है। बिन्यामीन साहब, आप ऐसा लगता है कि ओरिजिनल देशभक्त है जो आपने इस चीज को यहां पर सोचा कि हर गांव की हमें हिफाजत करना है, किसी हिंदू की बेकसूर हिंदू की जान न जाए, किसी मुसलमान की जान न जाए, किसी बौद्ध की जान न जाए, किसी ब्राह्मण की जान न जाए, किसी जैन की जान न जाए, क्योंकि हमारे पवित्र कुरान ने और हमारे रब ने हमसे ये कहा है कि किसी एक बेकसूर को मारना पूरी इंसानियत को मारने का है। तो हम अपने गांव में हिंदू मुसलमान भाई एकता का माहौल बनाए रखे। ये लोग नफरतें फैला रहे हैं, ये आग लगा रहे, कोई बात नहीं, लगाओ आग, कितनी लगाना है लगाओ, लेकिन हम भी तय कर लें कि हम आग लगाने वालों को कामयाब होने नहीं देंगे, नहीं देंगे। राहत इंदौरी ने आपने कहा ना कि शायद राहत इंदौरी से मेरा रिश्ता था, बिल्कुल रिश्ता था, 2-3 जगह हम दोनों टकराए कोरोना में। तो राहत इंदौरी का वो शेर में है, फसाद फैलाने वालों को, आग लगाने वालों को मैं राहत इंदौरी का शेर कहता हूँ कि बावले चाले मत करो। राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जदमे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, नहीं समझा बेटा? जब आग लगेगी तो तेरे घर तक भी आएंगे, अरे बोलो भाई आएंगे। तो हम मौलाना अरशद मदनी का एक जुमला मैं कह रहा हूँ, हमारे कायद मोहतरम का एक जुमला मैं कह रहा हूँ, मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि आग को, यह जुमला सुन लो, मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि आग को आग से बुझाया
नहीं जा सकता आपको बुझाने के लिए, आपको बारिश बरसानी पड़ेगी। आप अमन की, मोहब्बत की, एकता की बारिश बरसाएं, इंशा अल्लाह जालिमों के सारे प्लान फेल होंगे। कहो इंशा अल्लाह। और आखिरी जुमला कहूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये चाल चल रहे हैं, ये मंसूबे बना रहे हैं। क्यों? विकास कुछ हुए हुआ नहीं है, इसलिए ये दंगे फसाद कराए ना। मैं गुजरात भी गया, 15 दिन रहा, वहां भी साला विकास दिखाने में कुछ मिले ही नहीं, कोई विकास नहीं समझा, वहां पर भी विकास मिले ही। तो मैंने वहां पर भी एक जुमला कहा अहमदाबाद में, पिछले साल 15 अगस्त को मेरे हाथ से अहमदाबाद में झंडा वंदन था, तो मैंने झंडा लहराने के बाद में सभी लोग थे नेता बेटा, तो मैंने कहा कि यहां भी विकास नहीं दिख रहा। फिर मैंने एक जुमला कहा जो मैं हमारे भाई तक पहुंचाता हूं कि विकास होगा लेकिन तू घर पर तो रहे। अरे भाई वो इंडिया में रहेंगे तो विकास होगा ना। अरे बोलो ना यार, वो इंडिया में रहेंगे तो विकास होगा। वो चले सऊदी, अमेरिका, दुबई, बुर्ज खलीफा, अभी मणिपुर चल रहा था 3 महीने से और ये हजरत घूम रहे, मणिपुर जा रहा और ये हजरत बुर्ज खलीफा घूम रहे। तो मैं उसे कहता हूँ कि विकास होगा लेकिन उसके लिए घर पर रहना बहुत जरूरी है, घर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, दूसरों के घर पर ध्यान नहीं देने का। अपन कहा के इंडिया गया तो ध्यान कहा देने का। अरे बोलो ना भाई, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, माहौल अमन का बनाओ, शांति का बनाओ, है ना। और ये कितनी भी चाल चले, हमारे रब ने हमें जो किताब दी है ना, उस किताब ने क्या कहा, वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और मेरे यारो अल्लाह कहता है, क्या कहता है, अल्लाह कहता है ये चाल चलते हैं, ये मंसूबे बनाते हैं, ये साजिशें करते हैं, ये प्लान बनाते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है कि वो नहीं जानते, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि सबसे बेहतरीन प्लानर कौन है, बोलो जोर से अल्लाह, सबसे बेहतरीन प्लान और बोलो कौन है। जब तो ईमान भी ताजा हो जाएगा, अल्लाह भी खुश होगा, उसकी तारीफ होती है तो वो खुश होता है। जोर से अपने मुंह से कह देना सबसे बेहतरीन प्लान और कौन है। बोलो जोर से जिंदगी किसके हाथ है, अल्लाह के। बोलो जोर से मौत किसके हाथ है, बोलो जोर से नफा किसके हाथ है, नुकसान किसके हाथ है, कायनात का पूरा सिस्टम किसके हाथ है, हवाएं फजाएं ये सब कुछ किसके हाथ है। तो फिर इन चोरों के आदमी क्या है। अरे बोलो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, बस अपन अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लें, हर किस्म की बुराई से अपने आप को दूर रखें। खास तौर से मैं ये भी कहूंगा कि इत्तेहाद का दामन न छोड़े। कल के जुमा में, परसों जुमा में मैंने ये कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आखिरी जुमला सुन लो, बहुत काम का कर रहा हूं वकील साहब, कि हमारा मसला क्या है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अच्छा, और खास बात क्या, हमारी लड़ाई की वजह मेरी जो छोटी सी अकल ना थी कि हम दूसरों के काम को काम नहीं समझते। जुमला सुनो, हम दूसरों के काम को हम क्या समझते, मैं जो कर रहा वही काम है ना, सबने क्या करने को ना, ये करने को। अरे तू भी कर रहा वो भी काम है, वो जो कर रहा वो भी काम, बोलो बोलो, अरे बोलो भाई वो भी काम है, मकतब जो पढ़ा रहा वो भी काम है, इमामत जो कर रहा वो भी काम है, रक्षा जो चला रहा वो भी काम है, मदरसा जो चला रहा वो भी काम है, दावत का जो काम कर रहा वो भी काम है। इसलिए आखिरी जुमला कहूंगा कि अल्लाह ने खुद कहा अगर आप आपस में लड़ोगे तो कमजोर हो जाओगे। वो आए बार बार हम सुनते हैं, अल्लाह कहता है वला तनाजाओ, आपस में झगड़ना मत, वरना क्या होगा, फतफशलू, तुम कमजोर हो जाओगे, व तजहबरी हुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएंगी। आज हवा ऐसे उखड़ी कि 35 करोड़ मुल्क में है और पूरी दुनिया में 56 मुल्कों के मालिक है, मगर कोई भी आ रहा और घंटे के जैसे बजा कर चला जा रहा है। वजह क्या है, क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं। कमाल की बात है मोहन, जमात में भी जमाते नहीं समझे, जमात में भी जमात, गुट में भी गुट, में भी गुट। अरे यारो इतना तकसीम हो गया कि अब बचे इतनी तकसीम होने के वास्ते और क्या क्या बावले जाने लड़ गए। सब अपने हैं, सबको साथ लेकर चलो, सबका साथ सबका विकास।
सबका साथ सबका विकास। बिन्यामीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने सजाया, अल्लाह आपको बेहतर बदला नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।